गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर साइंस ऑनलाइन क्लास सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर इलेवन द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइट साउंड एंड फोर्स लाइट मतलब रोशनी साउंड मतलब आवाज़ और फोर्स मतलब जो बल लगाते हैं हम किसी चीज़ पे जो फोर्स लगाते हैं ओके सो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट देम राहुल लुक एट दिस कैंडल रोहन इट इज़ सो ब्यूटिफुल राहुल अपने दोस्त से कहता है लुक एट दिस कैंडल रोहन रोहन इस कैंडल को देखो ये कितनी सुंदर है रोहन इट लुक्स ऑल मोर ब्यूटिफुल वेन इट इज़ लाइटेड तब उसका दोस्त कहता है जब ये जलाई जाती है तो ये बहुत ही सुंदर लगती है राहुल कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट राहुल कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बता सकते हो जो लाइट देती हैं रोहन hmm? कहता है वाई नॉट क्यों नहीं सन कैंडल्स बल्ब्स ट्यूबलाइट्स टॉर्चेस अर्दन लैम्प्स यानी जो आपकी चिमनी होती है वो गिव अस लाइट ये सब हमें क्या देती है लाइट दे आर कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या कहते हैं इनको लोमिनस लमिनस मतलब जो हमें लाइट देती हैं वो ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं जिनसे हमें रोशनी मिलती है आपको पता है सन हमें रोशनी देता है कैंडल जलाने पे देती है बल्ब देती है ट्यूबलाइट देती है टॉर्च देती है आपका चिमनी देती है ये सब हमें क्या देती है लाइट देती हैं स्टार्स भी हमें लाइट देते हैं तो ये सब कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और जो आपको लाइट नहीं देते उनको क्या कहते हैं नॉन लुमिनस, जैसे आपकी पेंसिल है बुक है है ना आपका बेड है और क्या है आपकी बेडशीट है आपका वाटर बॉटल है बहुत सारी चीज़ें फ़ैन है ये सब हमें लाइट नहीं देते है ना दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट लाइट यानि जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट नहीं देते आर कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी जो हमें लाइट देते हैं उनको हमने क्या नाम दिया लूमिनस यानी रोशनी देने वाले और जो हमें लाइट नहीं देते उनको क्या कहते हैं नॉन यहाँ पे देखो नो no लग गया देट मीन्स वो हमें लाइट नहीं देते वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स ओनली वेन लाइट फॉल्स ऑन दैम और इन सब चीज़ों को हम लोग अंधेरे में नहीं देख सकते इनको हम लोग कब देख सकते हैं जब इनके ऊपर हमारी लाइट डाली जाती है तभी खाली हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स ओके अब आगे चले हैं लाइट अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अस ये तो हमें पता है कि जो लाइट है उसी से हम सब चीज़ों को देखते हैं द मेन सोर्स ऑफ द लाइट ऑन द अर्थ इज सन और हमारी जो धरती है उस पर हमें लाइट कहाँ से मिलती है सन से अगर दिन में सूरज नहीं निकलेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा और हमें कुछ नहीं दिखाई देगा दैट मीन्स सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है सन है ओके okay? अब है कि लाइट कैसे चलती है ना हाउ लाइट ट्रेवल्स लाइट कैसे चलती है अनलाइक वाटर और साउंड विच ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन आपको पता है पानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है आवाज़ भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है मतलब हम अगर कहीं से आवाज़ लगाते हैं तो वह तो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रीट लाइट लेकिन जो आपकी लाइट है वो कहाँ जाती है सिर्फ सीधी लाइन में इफ एनी थिंग्स कम इन द वे ऑफ लाइट देन इट्स शेडो इस फॉम अगर कोई भी चीज़ लाइट के जैसे हमने टॉर्च जलाई, अगर टॉर्च के सामने अगर हम हाथ दे देते हैं तो क्या होता है हमारी लाइट रुक जाती है इसका मतलब ये क्या हुआ कि लाइट कहाँ चलती है सीधी चलती है आप एक टॉर्च लीजिए एक पेपर ले लीजिए और उसमें अगर छेद कर देंगे तो आप देखेंगे उस छेद में से आपको लाइट दिखेगी दैट मीन्स लाइट कहाँ चल रही है सीधी चल रही है और अगर किसी भी इफ़ एनी थिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट और अगर लाइट के रास्ते में कोई भी चीज़ आ जाती है तो क्या फॉर्म होती है शेडो शेडो का मतलब होता है छाया आपने देखा है ना अब यहाँ पे देखिए ये एक पेड़ है पेड़ के पीछे से क्या आ रही है रोशनी है ना लेकिन रोशनी आ रही थी तो पेड़ इसके सामने आ गया तो क्या हो गया इस पेड़ की छाया कहाँ आ गई ज़मीन पर ये देखिए यहाँ आपको एक शेडो दिख रही है दैट मीन्स अगर लाइट के सामने कई बार आप लाइट के सामने आके देखिए तो आपकी जो परछाई शेडो मतलब परछाई सामने आएगी इट इज़ फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स और हमेशा हमारी शेडो कहाँ होती है अब जैसे ये देखिए पेंसिल है ओके अब आपको पेंसिल दिख रही है ठीक है अब इस पेंसिल की आप देखिए आपको शेडो कहाँ दिख रही है इसके अपोजिट में इसके उल्टी डायरेक्शन में है ना तो इस पेंसिल के सामने अब जब लाइट आ रही अगर मैं इसको ऐसे ढक देती हूँ तो ये तो इसको छुप जाती है, है ना और लेकिन इसकी जो शेडो कहाँ फॉर्म हो रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको भी खड़ा करके देखिए अब यहाँ ये पेंसिल है अब आपको इसकी शेडो कहाँ दिख रही है इसके देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ना कि उस तरफ ओके सो इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स यानी जहाँ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फॉर्म होती है परछाई ओके अब देखिए शेडोज आर फॉर्म्ड और शेडो कम्बन कब बनती है शेडोज़ आर फॉर्म्ड वेन वी ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन किसी भी लाइट को हम लोग सामने अपना हाथ दे देते हैं अब जैसे ये है अब मैं अगर, अगर, अगर अपने हाथ को इसके सामने दे देती हूँ कैमरे के तो इसकी कहाँ नीचे क्या छपेगी मेरी हाथ की परछाई छपेगी ओके सो शेडोज़ आर फॉर्म्ड वेन वी ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन बल्ब कैंडल और ट्यूबलाइट किसी भी रोशनी को अगर हम रोक देते हैं तो क्या बन जाती है छाया बनती है क्या बनती है छाया या परछाई बनती है ना समाइम्स दे आर स्मॉल कई बार ये स्मॉल होती हैं कई बार ये बिग साइज़ में होती है एंड समटाइम्स दे आर बिग डिपेंडिंग ऑन हाउ मच लाइट इज़ ब्लॉक ये सब किस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइट को ब्लॉक किया है अब ये देखिए बुक की देखिए अब आपको यहाँ पे इस बुक की यहाँ पे देखिए आपको इस पर शेडो नज़र आ रही है ना क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर रही है देखिए ये छोटी है फिर अगर मैं जितनी जितनी ज़्यादा आपको ब्लॉक करती जा रही हूँ देखिए आपके इसके ऊपर ये शेडो इस बुक की चलती जा रही है ये देख लीजिए अब आपको रोशनी वापस कम आ रही है क्योंकि कम लाइट ब्लॉक हो रही है लेकिन जो हमारी लाइट थी वो ब्लॉक होने की वजह से देखिए हमारी यहाँ से शेडो स्टार्ट हुई है देखिए बुक की आपको यहाँ पर दिख जा रही है दिखती जा रही है देखिए देखिए इस बुक में भी छुप गई है ना तो ये सब क्या है हमारी शेडो बनती जा रही है ना मच लाइट इज़ ब्लॉक बाय एस एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट और इस बात पे भी डिपेंड करती है कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है यानी जो सोर्स है उसके यानी जो सोर्स मतलब जो लाइट आ रही है उसमें और ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर में अब यहाँ पर आपको एक पेड़ है ठीक है ना शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग मॉर्निंग सुबह क्या होता है हमारा जो सन है वो यहाँ पर है, है ना तो यहाँ पे इसकी लाइट इसके यहाँ पे पड़ रही है, है ना अपोजिट में लेकिन अब यहाँ पे देखिए दिन में सूरज एकदम ऊपर है जब ऊपर है तो क्या हो रही? आ रही है उसके नीचे उसकी छाया आ रही है ना आप गर्मियों में देखो पेड़ जब सूरज ऊपर रहता है तो आप पेड़ के नीचे खड़े रहते हो क्योंकि छाया उसके नीचे रहती है और इवनिंग में कहाँ आ रही है ये पीछे से लाइट आ रही है इसलिए इसके अपोजिट में इसकी छाया आ रही है यानी डिपेंड करता है कि लाइट का सोर्स किधर से आ रहा है अब ऊपर से है तो छाया नीचे आ रही है पीछे से आ रही है तो इसकी इधर आ रही है यानी उसके देखिए यहाँ से है तो इसके अपोजिट में इधर से आ रही तो इसके अपोजिट में यानी शेडो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में अब ये ऊपर है तो नीचे बन रही है पीछे है तो सामने बन रही है इधर देखिए राइट में है तो लेफ्ट में बन रही है यानी शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है ओके तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ थैंक यू चिल्ड्रन